क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवंश है। अच्छा, क्या करते हैं आप? आप मजदूरी करते हैं। किस चीज़ की मजदूरी करते हैं? खेती बाड़ी की। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या फसलें करते हैं आप खेती बाड़ी में? किस चीज़ की फसलें होती हैं यहाँ पे? अपने कपास और नरमा, गेहूँ, जौ, छोले, ये सब बोए जाते हैं इधर। अच्छा, तो नरमा में भी देख रहा था, खेतों से ही निकल के आ रहा था, अच्छी खासी पैदावार यहाँ होती है। हाँ, तो कितना खर्चा होता है, कितना दाम मिल जाता है, कैसी खेती चल रही है उस सब खेतों में? देखो ये ऊपर स्प्रे करनी पड़ती है, टाइम तो लगता ही है, खर्चा तो हो गई, और पानी की समस्या आपकी बार कुछ महीना का हो गया ठीक चलता है, नहीं तो पानी की बहुत कमी है। पानी का तो यहाँ बढ़िया कैनाल बनी हुई है, फिर कैसे कमी है? कैनाल पीछे से सप्लाई नहीं आ रही ना पंजाब में, वो आगे जैसे पंजाब में जोना लगा हुआ है और वो पैपे लगा के गंग नहर से पानी निकाल के अपने जोने को दे रहे हैं। तो मतलब पीछे से पानी चोरी होती है और आपके यहाँ पूरा पानी नहीं मिल पाता? हाँ, पूरा नहीं मिलता है। अच्छा, एक मुझे एक बार हिसाब समझा दीजिए, क्योंकि बाकी जगह, जैसे मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ, वहाँ पे क्या है, पंप सेट का सिस्टम है, जमीन में बोरिंग लगा देते हैं, जमीन से पानी निकालते हैं। यहाँ मैंने देखा कोई पंप सेट नहीं है या बोरिंग का सिस्टम नहीं है। आपने जो पंप सेट देखे हुए हैं ना, वो बरानी दायरे में है, यहाँ नहरी इलाका है, यहाँ पंपों की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ। तो नहरों से एक मिनट नीचे तो खारा पानी है ना? हाँ, नीचे का पानी खराब है। हाँ, सही है। अच्छा, तो नहरों का क्या सिस्टम होता है? मतलब एक बड़ी नहर होती है, फिर उसमें से छोटी कैनाल निकाल देते हैं। हाँ जी, है ना, और छोटी कैनाल से फिर आपने छोटे छोटे रास्ते खेतों के लिए पानी लाने के लिए बना रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें आप नहर में से कभी भी पानी ले सकते हैं, कोई टाइम फिक्स होता है? वो तो नहर का जैसे मुँह है ना, अपने खेत को आता है। हाँ, मतलब कि इलाके को आता है, उससे कस्सियाँ निकलती है, कस्सियों में से मोगे निकलते हैं, अलग अलग खाले निकलते हैं, वो बांट के पानी, मतलब कि 3.5 घंटे एक मरबे की बारी है, उसी हिसाब से किसी की कम है ज़्यादा है, उसी हिसाब से मतलब कि उस खाले से पानी खेत को मिलता है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि टाइम फिक्स है, मतलब इतना से इतने बजे खेत को पानी मिलेगा? जितनी आप भी खेती करते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह। अच्छा, कितना खेत है आपके पास? एक मुरब्बा मतलब कितना बीघे होता है? 25 बीघे। अच्छा, यहाँ मुरब्बा बोलते हैं 25 बीघे को, एक मुरब्बा इनके पास खेती है। तो एक मुरब्बे को कितने घंटे पानी मिलता है नहर में से? 3 घंटे। 3 घंटे में 25 बीघे खेत आपको भराना होता है पूरा? नहीं नहीं, वो तो 3-4 बीघा ही लगता है 3 घंटे में। हाँ। अच्छा, और 3 घंटे के बाद क्या वो पानी आपको बंद कर देना होता है? आगे ले जाते हैं फिर उसको, आगे वाले दूसरे खेत वाले ले लेते हैं फिर उस पानी को। अच्छा, तो कितना चार्ज होता है उस पानी का, कितना खर्चा होता है? ये तो 20-25 रुपये लेते हैं 6 महीनों से, ये तो बीघे के हिसाब से होते हैं, जो ब्याना लेते हैं। अच्छा, 200-300 रुपये बीघे का लेते हैं साल भर का? 50 रुपये एक साल का, 6 महीने का। 6 महीने, 6 महीने का। और उसमें कितने घंटे पानी ले सकते हैं? पानी 1 बीघे के 7 मिनट है, 1 बीघे के लिए 7 मिनट पानी, 7 मिनट पानी मिलता है। कितने दिन में? हफ्ते बाद, एक हफ्ता बंद रहती है नहर, एक हफ्ता चलती है पूरा नहर, पूरा नहर। अच्छा, कच्ची का। और कितने दिनों भर जाता है 1 बीघा खेत उस पानी से? 1 घंटा लग जाता है, मिलता 7 मिनट है। 7 मिनट है तो 7 मिनट। अभी जैसे मरब्बे की बारी 25 बीघे की बारी 3 घंटा है, और 3 घंटे में 5-6 बीघे लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगता। जो बचा हुआ खेत है वो कैसे भरता है? 15 दिन बाद पानी आता है, उसके बाद जो नहीं लगता वो बरानी रहता है। पानी पूरा है नहीं यहाँ पे, पानी मिल नहीं रहा, पूरा पानी मिले फिर तो फसल पूरी बीजिए, बजा दो पूरी बजा दो, पूरा पानी मिल नहीं रहा। तो मतलब जब आपके MLA साहब जाके बोलते, कोई नहीं पूछता, कोई MLA नहीं पूछता, भागे फिरते हैं, इलेक्शन हो गया उसके बाद कोई नहीं आएगा, इलेक्शन के बाद आते ही नहीं है, कोई नहीं आता, जिमींदार का हाथ कोई MLA नहीं पकड़ता, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे BJP आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, जिमींदार का हाथ कोई नहीं पकड़ता, कोई भी आ जाए। द ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।